हाय गाइस, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम रोहित शर्मा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप उनसे सीख सकते हो। वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर्स हैं आज हमारे कंट्री के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने में चेंज लाई हैं जिससे कि उनका जो एक रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस है, इतना उभर के आया है। तो आई विल शेयर ऑल दोज पॉइंट्स विद यू। तो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आप उनसे सीख सकते हो वो है पेशेंस। जब से उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में पेशेंस के साथ खेलना स्टार्ट किया, उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े हैं। गाइस, जब भी आप, मैंने हमेशा प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, जब भी आप ऑन द पिच जाते हो एज अ बैट्समैन, तो आपको पेशेंस के साथ खेलना है। मतलब आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बहुत सारे प्लेयर्स को आपने देखा होगा जो बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं अपने शॉट्स को खेलने में, और इन्वायरमेंट को देखते नहीं है, कंडीशंस को नहीं देखते, ग्राउंड में कैसी है, पिच कैसी है, बॉल कैसी आ रही है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है मैच का, और अपना विकेट खो के चले जाते हैं। तो गाइस, आप जब भी पिच पे जाइए, चाहे वो फर्स्ट ओवर हो या 45th ओवर हो, आपको पेशेंस के साथ खेलना है, पिच में टाइम देना है। डिपेंड करता है कि अगर आप फर्स्ट ओवर में ओपन करने आए हो तो आपके पास टाइम होता है ज़्यादा, लेकिन अगर आप लास्ट के ओवर्स में आए हो तो टाइम कम होता है। तो वो देख के आपको समय बिताना है, लेकिन आपको जाके कुछ समय ज़रूर बिताना है, और पेशेंटली आप अपने शॉट्स को खेलिए, बेसिक्स को राइट रखिए। तो आपको जाके बेसिक्स को राइट रखना है, आराम से खेलना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इससे ये जो पेशेंस के साथ खेलने का जो एक फैक्टर है, इसके साथ जब आप खेलोगे, आराम से खेलोगे, सिचुएशन को देख के खेलोगे, तो आपका परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बहुत इंक्रीज होगा। ये मैंने फाइंड किया है, और यही रोहित शर्मा जी के साथ हुआ है कि उनका परफॉर्मेंस इस ट्रेमेंडस लेवल पे चला गया है, क्योंकि पेशेंस के साथ खेलना स्टार्ट किया उन्होंने, टाइम देते हैं पिच पे जमने के लिए। तो ये सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो चाहे आप कैसे भी किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रन बनाने के लिए बेसिक्स से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स के साथ आप, मतलब जो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, नॉर्मली आप अगर रिवर्स नहीं मारते हो, अगर आप स्वीप नहीं मारते हो, तो भी आप बहुत अच्छे रन बना सकते हो। ये चीज़ हमने देखी है विराट कोहली के साथ भी और रोहित शर्मा के साथ भी, कि दोनों लेजेंडरी बैट्समैन हैं, वर्ल्ड बीटर्स हैं, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, ना रिवर्स मारते हैं, ना इतना ज़्यादा स्वीप खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिकॉर्ड्स आप देखोगे तो उन्होंने भी मतलब टॉप बैट्समैन की तरह रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो जो क्रिकेटिंग के नॉर्मल शॉट्स हैं, बेसिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको फॉलो करके भी आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हो, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी बेसिक्स हैं उनको आपको अच्छे से सीखना है, और सिर्फ उन बेसिक्स के बल पे भी आप एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हो। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने रोहित शर्मा जी की बैटिंग से सीखा है। उसके बाद जो एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी। वो मेंटली बहुत फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस इस लेवल पे आया है। चाहे आप विराट कोहली को देख लें या रोहित शर्मा को देख लें, दोनों मेंटली बहुत फिट हैं, स्ट्रांग हैं। चाहे MS धोनी जी को देख लीजिए, बहुत मेंटली फिट हैं, स्ट्रांग हैं, फोकस्ड हैं अपने गेम के बारे में, इसलिए उनका परफॉर्मेंस इतना उभर के आया है, इसलिए उनका गेम इतना अच्छा रहा है, इसलिए टॉप प्लेयर रहे हैं वो। तो मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग कैसे बनोगे? जब जितना आप खेलोगे, जितना आप गेम पर ध्यान दोगे, जितना आप टाइम दोगे ग्राउंड पर, जितना आप स्टडी करोगे, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का भी आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत रोल होता है। जितना आप पढ़े लिखे होते हो, उतना आप अच्छा ग्राउंड में भी आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे दूसरे प्लेयर्स के सामने, बिकॉज यू आर लिटरेट। और जितना अच्छे आप पढ़ने में होगे, और अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हो, तो यू विल बी अ वर्ल्ड बीटर। चाहे आप विराट कोहली को देख लें, चाहे आप रोहित शर्मा को देख लें, चाहे आप MS धोनी को देख लें, दे आर वेल एजुकेटेड गाइस। तो उसका फर्क पड़ता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फोकस भी बना के रखना, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों ने उनके परफॉर्मेंस को पे चार चांद लगा दिए। दैट इज़ व्हाई ही इज़ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चाहे वो टेस्ट की बात हो, चाहे वनडे की बात हो, T20 की बात हो, और नॉर्मली क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते खेलते भी उन्होंने इतने छक्के मार दिए हैं और उनको हिटमैन कहा जाने लगा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप
इससे आप सीखोगे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। आई होप कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बनाने में और आपके क्रिकेटिंग नॉलेज को बढ़ाने में। तो गाइज मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।